तो पिछली क्लास में आपको मैंने देखिए ग्राफ का एप्लीकेशन बताया था। जो भी ग्राफ मैंने आपको बताए थे, कौन से ग्राफ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसी तरीके से बाकी, तो उसके मेन एप्लीकेशन में आपको मैंने बताया था कि एक मेन एप्लीकेशन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था जिसके 3 सॉल्यूशंस आए थे। और दूसरा मैंने बताया था जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ये हम लोग अभी आगे करेंगे, पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे एक आध दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में किया हुआ था, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 4 pi टू 0 to pi। आपका फंक्शन कहां से कहां पे डिफाइंड है? 0 to 4 pi से 0 to pi पे डिफाइंड है, मतलब डोमेन 0 से 4 pi है और रेंज आपका या कोडोमेन आपका 0 to pi है। इस इंटरवल में आपको ये फंक्शन कंसीडर करना है और आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक। देन आपका क्वेश्चन है, देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, then find number of solution of the equation fx is equal to 10 minus x divided by 10, ठीक है। तो आपको क्या बताना, number of solution of the equation fx equal to 10 minus x upon 10। fx क्या है, cos inverse cos x, और function कहां से कहां पे defined है ये आपके आपको सारा data दिया हुआ है, ठीक। सारी बातें ध्यान में रखते हुए question को करिए, easy question है, जल्दी से करिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखिए। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, किसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। मैंने आपको बताया है फंक्शन में कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए और दोनों के जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स का ग्राफ आप सबको पता है, ये कौन सा ग्राफ है भाई, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, है ना। कौन सा ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, इसका याद करिए रेंज होता है 0 to pi, तो हम बना देते हैं इसकी बाउंड्री भी, ये पाई इसकी बाउंड्री बना देते हैं। और ये पूरा ग्राफ आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ किस इंटरवल में बनाना है, आपको सिर्फ 0 से 4 pi में ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। 0 से 4 pi में ग्राफ आपको बनाना है, तो काम करते हैं, देखिए थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, पाई 2 pi 3 pi इधर चला ही जाएगा, चलो 4 pi, ठीक है। तो ये हमारा पाई हो गया, ये 2 pi हो गया, ये 3 pi हो गया और ये 4 pi हो गया। तो आपको पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 0 to 4 pi में बनाना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का डोमेन डिफाइंड है 0 to 4 pi, ठीक है। अब इसमें कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ आप बनाया हो, कैसे बनाते हो याद करिए, सीधे मैंने बोला था याद रखना है, 0 से pi में ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करता है ना, क्योंकि 0 से pi ये कॉस इनवर्स की रेंज में आता है, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल होकर के सिंपली एक्स आता है। इसके बाद कैसे ग्राफ गया था, इसके बाद देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था ऐसे, और ये पीरियोडिक था विथ पीरियड 2 pi, तो यही ग्राफ रिपीट होता है ना, तो इसलिए इसका ग्राफ आगे चल के ऐसे आया था। कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ आप सबने ड्रॉ किया है और आगे ये ऐसे, तो 0 से 4 pi में देखिए हमने कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये आपका पाई है। अब दूसरा ग्राफ बनाना है, कौन सा, 10 माइनस एक्स अपॉन 10 का ग्राफ बनाना है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन, आप इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख दो, 10 बाई 10 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 10। तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने बोला ना कुछ नहीं सोचना, बस दो पॉइंट मार्क कर दीजिए,
और जीरो से फोर पाई में ही आपको चाहिए, उससे आगे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट नहीं करना है। तो दो पॉइंट ले लो, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो लोगे तो वाई की वैल्यू वन आएगी, मतलब ये ग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, जीरो कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन से। एंड एक्स इक्वल टू टेन अगर आप लेते हो, एक्स इक्वल टू टेन तो कितना आएगा देखो, तो वन माइनस टेन बाई टेन, टेन बाई टेन वन, तो वन माइनस वन जीरो आएगा, एक्स इक्वल टू टेन पे जीरो आएगा। 10 कहां पे आएगा, 3 पाई के थोड़ा सा आगे यहां पे, तो 10 पे ये वैल्यू जीरो आएगी। ठीक, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये पॉइंट यहां पे कर दीजिए, ये हमारे पास आ गया ग्राफ। ओके, नाउ आप जरा काउंट करिए कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है वन टू एंड थ्री, तो इसलिए फॉर द गिवन इंटरवल एंड गिवन फंक्शंस आपके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, थ्री, इसलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, थ्री सोल्यूशन होंगे। क्लियर, तो थ्री इज योर आंसर। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, जैसे काजल सिंह ने सही आंसर दिया हुआ है। इसके बारे में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आप सोचिए ये आईआईटी के एडवांस में पूछा गया था 2014 में, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप देख सकते हो। मतलब कहने का कि एडवांस में भी मैंने बताया ना, इस टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है cosec inverse of cosec x is equal to cosec of cosec inverse x। तो सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी करिए फटाफट। चलिए देखा जाए, देखिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल तो है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखिए cosec of cosec inverse का भी ग्राफ मैंने बनवाया हुआ है और cosec inverse cosec x का भी ग्राफ मैंने आपको बनवाया हुआ है। ये जो ग्राफ है याद करिए, ये सिमिलर है sin inverse sin के, है ना। और इस ग्राफ के बारे में याद करिए, आप डोमेन रेंज और बेसिक बातें याद करके इसका ग्राफ बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं सारी बातें। देखिए इसका पहले बनाते हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल साइन इनवर्स साइन से मिलता जुलता है। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इसका डोमेन था याद करिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, मतलब जो ग्राफ है वो माइनस वन से वन के बीच में नहीं आएगा, ये हमने बाउंड्रीज बनाई हुई थी। और इसका रेंज जो है तो वो कॉसेक का रेंज क्या था, वही माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, तो इसका रेंज जो है वही है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी होगा, इसके बीच में इसका ग्राफ नहीं आएगा, इसके बियॉन्ड ही इसका ग्राफ आएगा। तो इसके बियॉन्ड इसका ग्राफ ना वाई इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करता है, ये हमेशा कैंसिल होकर के एक्स हो जाता है। तो ये देखिए y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करता हुआ ग्राफ इसके बियॉन्ड आपको बनाना है। ठीक, तो ये जो ग्राफ है आपके सामने, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ व्हाट, cosec ऑफ cosec इनवर्स x। अब चलिए बनाते हैं cosec इनवर्स ऑफ cosec x का ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ sin इनवर्स sin से मिलता जुलता है, sin इनवर्स sin मतलब पता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, ये सिंपली कैंसिल होकर के डायरेक्ट एक्स देता है क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता था। और वैसे भी ग्राफ आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए था, जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच ये कौन सी लाइन को फॉलो करेगा, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करेगा। तो यहां से लेकर के और यहां तक ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करेगा। तो चलिए इसके इसमें हम लोग वाई इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, यहां से यहां तक हमने y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद ये ग्राफ कैसा होता है, इसके बाद ये ग्राफ ऐसा जाता है, याद करिए ऐसे ही था ना। फिर इसी ग्राफ को हम लोग बार बार
रिपीट कर रहे थे, तो फिर ये ऐसे इधर चला जाएगा, इधर ये ऐसे चला जाएगा, इसका रेंज वही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो आगे हम बनाने की जरूरत नहीं है, ना बाउंड्री बनाने की जरूरत है, ना कुछ, बस हो गया, काफी है। अब देखिए ये कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, कहां पे इक्वल हैं, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इस पूरे रीजन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साथ में ये दोनों इस पूरे रीजन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आंसर मिल रहा है, देखो माइनस पाई बाई टू से माइनस वन में ये दोनों एक ओवरलैप कर रहे हैं, और वन से पाई बाई टू में ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे x belongs to minus pi by 2 to minus 1, closed on both side, union 1 to pi by 2, again closed on both side, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, नहीं तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन पे मूव करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। याद करिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दो टाइप की प्रॉब्लम बताई थी, एक प्रॉब्लम था नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड, दूसरा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, तो अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। इस पे मेनली आपको दो टाइप की प्रॉब्लम मिलती है, टाइप वन की प्रॉब्लम कैसे होती है, टाइप वन की प्रॉब्लम बहुत इजी होती है, बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं, अब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कुछ भी हो सकता है। इसमें पहले टाइप की प्रॉब्लम में क्या रहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा करता है, ठीक है? और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बोल रहा हूं कि टैन इनवर्स हो सकता है, साइन इनवर्स हो सकता है, या कॉस इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, ये टाइप वन की प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन प्योर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, इसमें इनवर्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होना है, प्योर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला अगर है तो इसके अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप कोशिश करो कि टैन के टर्म में ले आ दो। अगर इसको टैन के टर्म में ला देते हो तो टैन इनवर्स और टैन हम लोग फिर कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? या अगर ये क्वेश्चन आया तो आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपने पढ़ाई की है 11th में उसको यूज करके इसको साइन में बदलने की कोशिश करो, ताकि साइन इनवर्स और साइन आए और फिर हम इसको कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन में वर्किंग रूल क्या है, बहुत ही आसान है, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाहर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यूज ट्रिग्नोमेट्री एंड कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आउटर फंक्शन, ठीक है? तो यही सिंपल रूल है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको बाहर वाले के टर्म में ले आइए और फिर कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक? हम लोग देखते हैं टाइप टू का क्वेश्चन, ये मेन चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप टू के क्वेश्चन में आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, जैसे टैन इनवर्स के अंदर सम फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है? टाइप टू में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, टाइप टू में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बल्कि एक्स का फंक्शन आएगा, साइन इनवर्स है मान लीजिए, टैन इनवर्स, कुछ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बल्कि कैसे फंक्शन आएंगे, एक्स के फंक्शन आया करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे सब्स्टिट्यूशन, समझे? ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। तो आप पता है यहाँ पे x की प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा,
यहाँ पे x की प्रॉपर वैल्यू कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करना ताकि ये पूरा फंक्शन जैसे इस क्वेश्चन में tan में बदल जाए, इस क्वेश्चन में कोशिश करो कि ये पूरा फंक्शन sin में बदल जाए, तो इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो ये जब सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो फिर आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, कब कब क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, मैं इसका आपको कुछ छोटा सा रूल बताता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में, यहां पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स का जो फंक्शन आ रहा है उसमें कुछ ऐसा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की सिचुएशन, क्या है सिचुएशन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की, अंडर रूट नहीं भी हो तब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक। आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन करोगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आप चेक कर लो, ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा और आपका क्वेश्चन रिलेटिवली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आप इसको, जैसा मैंने बताया कि इसको टेन में बदलना, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो साइन में बदलने की कोशिश करना, फिर ये कैंसिल होगा, कैसे होगा वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आप साइड में कंडीशन जरूर लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कंडीशन नहीं लिखोगे तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो वो गलत कर जाओगे, तो ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन करते हो तो साइड में कंडीशन जरूर लिखिएगा। कंडीशन क्या, जैसे यहां देखिए, अगर आपने x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे कंडीशन जरूर लिखिएगा कि थीटा बिलोंग्स टू साइन इनवर्स की रेंज में माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, समझे। अगर आपने क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन किया x इक्वल टू ए कॉस थीटा तो आप साइड में उसकी कंडीशन जरूर लिखिएगा कि थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, इस तरीके से ये कंडीशन जरूर लिखिएगा। फाइनल आंसर निकालने में ये आपका बड़ा रोल प्ले करेगा, खासकर तब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया तो। तो ये है आपका पहला सब्स्टिट्यूशन। दूसरा देखिए, अगर क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऐसी जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप इसमें एक्स को ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, वही साइड में कंडीशन जरूर लिखेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि ए सेक थीटा अगर पुट करोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक अगर पुट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस वन विल बिकम कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ टर्म आए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स टाइप की सिचुएशन आती है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो ध्यान दीजिएगा x के साथ अगर 1 हो, मतलब सॉरी cos के साथ अगर 1 हो एड या सब्ट्रैक्ट, तो आपको बहुत फायदा होता है, आप cos का वो फॉर्मूला यूज करते हो ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप फिक्स है कि x को a cos थीटा सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्या करोगे x को a cos थीटा, ठीक, पुट करोगे तो जरा देखिए तो क्या फायदा आएगा, जब आप पुट करोगे a cos थीटा तो a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, ए ए ऊपर नीचे से निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ ऊपर कॉस का वो फॉर्मूला ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1,
1 कैंसिल हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए ये क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया, जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया और हम लोग यही चाहते थे, है ना, हम लोग यही चाहते थे। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर किस टाइप के फंक्शन आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज आप उसके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन करोगे ताकि अंडर रूट हट जाए और क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो। अब जो मैं बता रहा हूं ये एक्सक्लूसिव सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि मतलब इनके अलावा आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हो, कई क्वेश्चन में आपको खुद से भी दिमाग लगाना पड़ता है। हालांकि अच्छी बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो जब आप आगे कैलकुलस में जाओगे ना तब थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया कि इसमें भी दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है जो इजी है, 11th के बेसिस पे ये हो जाएगा। और टाइप 2 मेन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स का फंक्शन आता है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स कुछ हिंट्स बता दी हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, टाइप 1 पे बेस्ड क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन आपको पैकेज में मिलेगा, और उसके बाद हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन करेंगे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका टाइप 1 पे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसको सिंप्लीफाई करना है। साइड में एक कंडीशन दिया हुआ है, साइड में कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, x आपका माइनस पाई से पाई के बीच में है, ये कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, समझे, ये ऐसे मत सोचना कि ये मतलब आपका ऐसे फालतू में लिखा हुआ है, नहीं फालतू में नहीं लिखा हुआ है, इसका बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप चलिए पहले इसको ट्राई करिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टाइप 1 वाला, तो इसमें मैंने आपको क्या बता रखा है, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप 11th का यूज करके ना इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस बाहर वाले के टर्म में बदलो। यहां पे ना मैं इसको सिंप्लीफाई करके टैन के टर्म में लाऊंगा, बहुत ही आसान है, आप ऐसा काम कर चुके हो। आप कॉस का वो फॉर्मूला यूज करिए ताकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल। तो ये आपके पास देखिए आएगा टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या बन गया, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, देन tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2 कितना आएगा, कितना आएगा भाई, tan x बाई 2 आएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 क्या आएगा, tan x बाई 2 9 mod tan x बाई 2, है ना, भूलिएगा मत, शुरू से मैं आपको 11th से बताता आ रहा हूँ, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए स्क्वायर रूट का आउटपुट पॉजिटिव बनाने के लिए आप मॉड का यूज करते हो। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है ना तो आपको ये मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड तो भाई केस लेकर के हटेगा, केस कैसे लोगे, एक्स आपका माइनस पाई से पाई है जबकि यहाँ पे एंगल है एक्स बाई 2, तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स बाई 2 किस इंटरवल में होगा, एक्स बाई 2 आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जब जब आपका टैन पॉजिटिव है तो मॉड हटाते समय हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, और जब जब आपका ये निगेटिव है तो हम मॉड हटाते समय साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखिए टैन इनवर्स ऑफ मॉड टैन एक्स बाई 2, मैंने बोला कि जब जब ये पॉजिटिव है तो मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये कब पॉजिटिव है भाई,
टेन एक्स बाई टू पॉजिटिव है, अगर x बाई टू आपका जीरो से पाई बाई टू के बीच में है तो, यहाँ पे लिखे देता हूं, अगर x बाई टू आपका जीरो से पाई बाई टू के बीच में है तो ये पॉजिटिव है टेन एक्स बाई टू, और जब ये पॉजिटिव है तो आप मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं करोगे, सिंपली आ जाएगा। जब ये निगेटिव है तो मॉड हटाते इसमें क्या करोगे, इसका साइन चेंज करोगे, माइनस लगाओगे, उस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, देखिए माइनस ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, कब, जब टेन एक्स बाई टू निगेटिव, टेन एक्स बाई टू कब निगेटिव, जब एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच, ठीक, ये माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच। फाइनली अब मैं इसका आंसर लिखता हूं, देखिए अब यहां पर देखो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, tan इनवर्स tan को क्या मैं कैंसिल कर दूं ऐसे आंख बंद करके, आंख बंद करके कभी कैंसिल मत करना, tan इनवर्स tan को ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, मैंने बताया आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब ये tan इनवर्स की रेंज में लाई करे, तो यहाँ पे x बाई टू tan इनवर्स की रेंज में जीरो से पाई बाई टू में लाई कर रहा है, इसलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे टू से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब ना, तो x आपका आ जाएगा जीरो से, यहाँ पे टू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाई के बीच हो, तो अगर एक्स जीरो से पाई के बीच हो तो ये एक्स बाई टू आएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो क्या डायरेक्टली, नहीं कर सकते है, तभी कर सकते हो जब ये एक्स बाई टू इस टेन इनवर्स की रेंज में लाई करे, ये एक्स बाई टू था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स बाई टू आपका माइनस पाई बाई टू से जीरो में है जो टेन इनवर्स की रेंज में है, इसलिए आप इसको कैंसिल करके एक्स बाई टू लिख सकते हो, तो ये इस माइनस के कारण आएगा माइनस एक्स बाई टू, कब, टू से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब एक्स आपका माइनस पाई से जीरो के बीच है तो इस तरीके से पता, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है, इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो ये है आपके सामने, देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसकी वैल्यू एक्स बाई टू आएगी अगर एक्स आपने जीरो से पाई लिया, इसकी वैल्यू माइनस एक्स बाई टू आएगी अगर आपने एक्स माइनस पाई से जीरो के बीच में दिया है, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए देता हूं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है, टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और अंडर द कंडीशन x आपका कंडीशन मैंने दिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ये कंडीशन मैंने दिया, कंडीशन में अभी जानबूझ के सिंपल दे रहा हूं, अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आपको नहीं दे रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हम लोग करेंगे किसमें पता है, टाइप टू के सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में, तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिए, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन हम लोग, ये टाइप वन की प्रॉब्लम है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड टाइप वन की प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या करते हो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ना इसको टैन में बदलने की कोशिश करो, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको टैन में कैसे बदलोगे, कर चुके हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया हुआ है, आप, मैं याद दिलाता हूं आपको, मैंने बोला था जब कभी भी साइन के साथ में वन मिलता है, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, तो आप इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, जब कभी भी साइन एक्स के साथ में वन मिलता है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के लिख सकते हो, स्पेशली अगर अंडर रूट है तब तो जरूरी लिखना है, अदरवाइज भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, हमने डिनोमिनेटर को इसको लिख लिया, आई होप कि आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा, देखो ओपन करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वन हो जाएगा, प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये बन जाएगा साइन एक्स, अब नीचे जब आपने इसको इसमें बदल दिया तो ऊपर कॉस एक्स को भी आप एक्स बाई टू एंगल में बदलिए, क्योंकि हर जगह पे एंगल सेम होना चाहिए, और पता है आप इसका हाफ एंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप इसका यूज करोगे ये वाला, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्यों,
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल आउट होने को होने का चांस है। अगले स्टेप में यहाँ से cos x by 2 plus sin x by 2 एक ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos x by 2 minus sin x by 2, एक प्लस कैंसिल हो गया और नीचे एक बचेगा cos x by 2 plus sin x by 2। ओके नाउ इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था, याद करिए कि अगर इस तरीके का फंक्शन मिलता है तो आप फटाफट कॉस वाले टर्म से डिवाइड कर देते हो, तो कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करिए, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू। इसके बाद क्या बताए थे भाई, इसके बाद मैंने बताया था अब आप इस वन को टेन पाई बाई फोर लिख लो, एकदम फिक्स है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया हुआ है, मैंने बताया था ऐसी चीजें देखो तो फटाफट वही काम करना है, cos x by 2 से डिवाइड, ऐसा आए तो इस 1 को tan pi by 4 लिखना है, बिल्कुल भूलिएगा मत, और यहाँ पे इसको हम 1 into tan x by 2 कर देते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे tan inverse of tan pi by 4 minus tan x by 2 upon 1 plus 1 को मैं लिख देता हूँ tan pi by 4 into tan x by 2, और ऐसा करने से अब ये हमारा tan में बदल गया, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ये है tan ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता, अब tan इनवर्स tan आ गया ना, अगला क्वेश्चन उठता है कैंसिल कर दें, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, आंख बंद करके कैंसिल बिल्कुल नहीं करना, आप इसको कैंसिल तभी कर सकते हो जब ये tan इनवर्स की रेंज में लाई करे। तो चलो चेक करते हैं, यहां से x by 2 किस इंटरवल में लाई करेगा, x by 2 आपका माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा, तो पाई बाई 4 माइनस x by 2 किस इंटरवल में लाई करेगा, पाई बाई 4 माइनस x by 2, पाई बाई 4 में x by 2 घटाओ तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो, पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो ये किस इंटरवल में लाई करेगा, जीरो से पाई बाई 2 में लाई करेगा। अगर ये 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये tan इनवर्स की रेंज के अंदर है, जब ये tan इनवर्स की रेंज के अंदर है इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट इसको कर सकते हो, और डायरेक्ट कैंसिल जब करोगे तो अभी आपके पास आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आई बात। अब देखो मैं फिर से बता दूं कि मैंने इंटरवल जानबूझ के ऐसा दिया है ताकि आपको केस ना लेना पड़े, आपको परेशानी ना सहनी पड़े, आगे टाइप टू के क्वेश्चन में मैं कैसे केस लूंगा जिसमें आपको केस लेना पड़ेगा, कैसे केस लेना पड़ेगा पता है, जैसे मान लीजिए एक्स में कोई और इंटरवल दे देता, कुछ इस तरीके से दे जाता एक्स का इंटरवल कि ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 टेन इनवर्स के रेंज में ना लाई करता, अगर ये इसकी रेंज में नहीं लाई करता तो आप इसको कैंसिल नहीं कर पाते, जैसे आपने यहां कैंसिल कर दिया, फिर कैसे करते वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ना एक और क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन टाइप वन पे, और फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइप टू पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सिंप्लीफाई करना है cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है और साथ में यहां पे फिर से मैं x की वैल्यू दे रहा हूं 0 से पाई बाई 2 के बीच, फिर से मैंने ऐसा इंटरवल दिया है कि आपको केस नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कैंसिल जहां नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में टाइप टू में कराऊंगा, टाइप वन में हम नहीं कराएंगे, जरूरत भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मिलता भी नहीं है टाइप वन, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, तो अगर मान लीजिए मिल भी गया तो आप बड़े आराम से कर लोगे। तो भाई ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है, ये क्वेश्चन भी टाइप वन पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें क्या करना है, इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके cot के टर्म में लाना है और फिर जो है आगे आप इसको कैंसिल करोगे या सिंप्लीफाई करोगे,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इसको करके आइएगा। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास और देखते हैं कि कौन कौन इसको सही किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।